फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। सभी बड़े को नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज देखिए स्मिता क्या बना रही है। तो सावन महीना स्टार्ट होने को है, उससे पहले काफी दिन हो गए हम लोग चिकन खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए हसबैंड जी अभी जस्ट देसी वाला चिकन ला दिए हैं, 2 किलो ऐसा कुछ होगा। यहाँ आधा मैंने रखा हुआ है क्योंकि आधा मैं सब्जी बनाऊंगी और आधा हम खिचड़ी बनाएंगे। यहाँ पे 2 देसी वाला अंडा है, लक्ष मछली और मुर्गा जो है एकदम से छोड़ दिया है। लक्ष एकदम से ना मुर्गा मछली सब छोड़ दिया, सिर्फ अंडा खा रहा है। तो मम्मी यहाँ पे दिए हैं मुर्गी का अंडा है, 2 उबाल दिए हैं हम, उसके अंडा बना देंगे। और यहाँ किचन में साइड चूल्हे पे थोड़ा सा भात बना रही हूँ। लक्ष्य और आयुषी बोल रहे खिचड़ी नहीं खाएंगे, तो सबको भाई फरमाइश पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ उनके लिए भात बनेगा और साइड वाले चूल्हे पे मैं देसी चिकन खिचड़ी बनाऊंगी। काफी महीनों के बाद आज बना रही हूँ, काफी खाने का मन कर रहा है। तो आधा भूंजा हम बनाएंगे चिकन, क्योंकि शाम में हो जाएगा। और यहाँ पे टमाटर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर को कट कर लिया है। यहाँ पे जीरा का पेस्ट है, थोड़ा सा फोरन के लिए हम प्याज लेंगे। और यहाँ मिक्सर में अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज, 2 प्याज मैंने पीस लिया है। तो सारा तैयारी मैंने करके रख लिया है। और चावल को अभी जब तक मैं ये सारा कुछ करूंगी ना, तब तक मैं चावल को धो के और रख दी हूँ। थोड़ा सा चावल फूल जाएंगे तो जल्दी हमारा खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगा। और चिकन खिचड़ी ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, बिरयानी से भी ज्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप खाइएगा ना तो आप बिरयानी खाना भूल जाइएगा, सच बता रही हूँ मैं। तो पहले लक्ष्य खाता था तो पहले कंटिन्यू बनता था महीना में 1-2 बार, लेकिन अभी बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे ना, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे करते रहते हैं। अभी जैसे उनके लिए मुझे भात बनाना पड़ रहा है अलग से, लक्ष्य के लिए यहाँ पे अंडा बनाना पड़ रहा है। नहीं तो एक ही में हो जाता, सिर्फ खिचड़ी बना लेती सब खा लेते। और मैं अगर नहीं बनाऊंगी ना तो ऐसा है लड़का ठो कि वो खाएगा ही नहीं, भूखे रह जाएगा, खिचड़ी उसे पसंद ही नहीं। और इस महीने तो मतलब इस बार इस साल 2 महीने सावन लगने वाले हैं, मतलब 8 सोमवार पड़ेंगे। तो हमने कहा कि चलो सावन अभी लगा नहीं है, तब तक खाने का बड़ा मन कर रहा है। और हमको मम्मी इधर वीडियो बनाने बैठा दिया, उसी मोबाइल ट्राइपॉड पकड़ के बैठी हुई है कुर्सी पे। लक्ष गया है स्कूल, हाफ डे है उसका। चलिए चिकन को हम अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा तैयारी हो गया है, चिकन को अच्छे से मैंने धो लिया है, प्याज वगैरह सारा कुछ कट है। और डेक्ची में ही मैं बनाऊंगी, अलग से बर्तन डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सरसों का तेल हम डाल दिए, थोड़ा सा तेल हम ज़्यादा यूज करेंगे, तेज़पत्ता और थोड़ा सा गोटा वाला जीरा डाल देते हैं। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, नहीं तो फिर हमारे फ़ौरन जल जाएंगे। प्याज हम डाल देते हैं, प्याज को सुनहरा होने तक हम भूनेंगे। प्याज का कलर देखिए चेंज हो चुका है। और इधर में देखिए हमारा टमाटर है और भीगा हुआ चावल है, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन, गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। सारे वाले चूल्हे पे हमारा भात भी बन रहा है, जब तक हमारे चिकन फ्राई हो रहे हैं मैं यहाँ पे अंडे की जो सब्जी बनाऊंगी उसकी तैयारी मैं कर लेती हूँ। अंडे को यहाँ छिलका उतार के रख लिया है और भात हमारा हो गया है। तो हम सारे वाले चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, खिचड़ी में हमें गर्म पानी डालना है तो तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा चिकन फ्राई हो गया है, डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा पाउडर, जीरा पाउडर जो भी मसाले हमने लिए हैं, एवरेज का चिकन मसाला हम डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और सभी मसालों को अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जब तक इसमें से तेल निकलना ना लगे। तो कवर कर देते हैं
तो देखिए मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं चावल। चावल हमारे थोड़े से फूल गई है, तो इससे ये होगा कि हमारी खिचड़ी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो एक बार आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मैं सच बता रही हूँ, बिरयानी फेल है इस खिचड़ी के सामने। तो इसे वापस से कवर करके हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। चावल को अगर हम फ्राई करेंगे ना चिकन मसालों के साथ, तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो पानी इसलिए मैंने गरम किया हुआ था, गरम पानी ही करके डालेंगे इसमें, और ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। सभी चीज़ें फ्राई हमने कर लिया है, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है बस, और आधा टमाटर हम डाल देते हैं। गरम मसाला डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप इसमें फ़ौरन में, जैसे मैंने सिर्फ जीरा डाला, आप इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं गोटा वाला। और बस अभी गैस का फ्लेम हाई मीडियम करके खिचड़ी को हम बनने के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। और साइड वाले चूल्हे पे मैं यहाँ पे अभी बनाना है मुझे भुंजा वाला चिकन और अंडे की सब्ज़ी बनाना है, तो मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, और अंडे को फ्राई करके निकाल लूँगी, और वही कढ़ाई में मैं चिकन को फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। और देसी चिकन है तो कुकर में ही बनाऊँगी, मसाले वगैरह सारा कुछ मैं कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद फिर उसे कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आज बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है, गर्मी भी काफ़ी लग रही है, और किचन में 3 से 4 घंटे मतलब हो गए हैं खड़े खड़े। और थोड़ी ही देर बाद देखेंगे हमारा लाजवाब सा चिकन खिचड़ी बन के रेडी है। तो इसीलिए मैंने चावल को थोड़ी देर बस धो के रख दिया था, चावल फूल चुकी थी, तो खिचड़ी हमारा बन के रेडी हो गया देखिए। और ये सूखा सूखा ही बनता है, पानी पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मसाले इसमें थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा सा बस तेल ज़्यादा लगता है, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमारा यहाँ पर देसी चिकन खिचड़ी रेडी है, एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इधर चिकन मैंने कुकर में डाल दिया, मसाले वगैरह सारे कुछ फ्राई करके 2 सीटी लगा लूँगी बस अभी, और लक्ष्य के लिए अंडे की सब्ज़ी बनाना है। तो मेरी हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है, थक गई हूँ किचन में खड़े खड़े, और भात हो गया है, दाल नहीं बनाऊँगी, खिचड़ी बना हुआ है। और लक्ष्य को अंडे की जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना दूँगी। जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए अगर आप चिकन खिचड़ी खा लिए ना, बिरयानी भूल जाएंगे आप। और अभी टाइम हो चले हैं दोपहर के 2:30 बज गए हैं, हस्बैंड जी नहीं आए थे तो सब हम लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था साथ में खाना खाए हुए, बच्चों का स्कूल रहता ना तो साथ में खा ही नहीं पाते हैं, तो बच्चे घर में हैं। तो फिर हस्बैंड जी को हमने कॉल किया, तो हस्बैंड जी बोले थोड़ा सा लेट होगा, तो मैं थोड़ा देर बस रेस्ट करने चली गई थी, काफ़ी थकान सा लग रहा था मुझे। और यहाँ पर भुंजा वाला चिकन सासू माँ थोड़ा सा ला दिए, लक्ष्य के पापा के लिए फ्रिज में रखे हुए थे, तो सब साथ में जो मिलकर खाने का आनंद होता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सब मज़े ले लेके खा रहे हैं, हस्बैंड जी से मैं बातें कर रही हूँ, और फैन चल रहा था इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि आवाज़ नहीं आता ना। और लक्ष्य यहाँ पे अंडा भात खा रहा है, और आयुषी बोली खिचड़ी नहीं खाएँगे, लेकिन देखिए थोड़ा सा खिचड़ी फिर मांगी है और चिकन और भात खा रही है। और हस्बैंड जी बोल रहे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद खा रहे हैं। तो मैंने ही बोला था कि सावन लगने वाला है तो उससे पहले चिकन लाइए, खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तो हम अपना लंच इंजॉय करते हैं चिकन खिचड़ी, और शाम में वापस से चिकन शाम के लिए बना दिया है मैंने, चिकन और रोटी। तो हमारे जो इधर का फेमस है देसी चिकन खिचड़ी, और चिकन पिट्ठा भी बनता है, तो अभी मैं वो नहीं बनाई हूँ कभी, बस मम्मी के हाथों का खाई हूँ, तो बहुत जल्द वो भी शेयर करूँगी सावन के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।